الرحمن الرحیم السلام علیکم فضل باد گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے آلو آنڈے پکائیں گے بڑی مزیدار بنتے ہیں بنانا بھی بڑی آسان ہے تو چلیے ویڈیو کر دیں سٹارٹ تو سب سے پہلے سانو پیاز کی ضرورت پے گی سب سے پہلے ہم لیں گے یہ گھی لیں گے اور گھی کو کڑاہی کے بیچ ڈالیں گے घी लेके कढ़ाई के बीच डालेंगे अब नीचे आग जला लेंगे आग हमने जला ली अब कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके बीच प्याज डाल देंगे अब हमारा में ऐसा करके हम प्याज डाल देंगे बीज अब इसको भूनेंगे हम आंडे अच्छी तरह भून लेंगे और भूनने के बाद हम आपको बताते हैं मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें अब इसके बीच इतनी सी हल्दी डालेंगे इतनी सी हल्दी डालने के बाद अब इसके बीच प्याज को अच्छी तरह चीटा करके और इसके बीच इतनी की मिर्ची डालेंगे मिर्ची डालने के बाद ढक्कन मेल के थोड़ी सी इसको रुला लेंगे मर्च और हल्दी हमने डाल दी है अब हमने ये पीसा था यानी कि दो तुलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक इसकी बो मारने की अंडों के लिए अब इसके बीज ये भी रला देंगे ये रलाने के बाद थोड़ी सी आँच थले से नीचे कर लेंगे नीचे ये देखे आँच थोड़ी सी हल्की कर लेंगे और इसके बाद हम ले आए हैं तीन हरिया मिर्चा और एक टमाटर डाल देंगे इसके बीज और इसको चंगी तरह कर लेंगे अच्छी तरह ये देखिए हमने मसाला भून लिया है अब इसके बीच हम ऐसे करेंगे ऐसे फासला करेंगे नाक्षण गरिमा तो अब दोस्तों हमने अच्छी तरह मसाला भून लिया है नीचे आंच नीचे करके और प्याज के बीच हम बीच कर ये देखे अंडे पाएंगे ये देखे ऐसे करके और इसके बीच कर हम ये देखे अंडे डाल देंगे अंडे आपने हिलाने बिल्कुल नहीं है फिर अंडे खराब हो जाएंगे ये बहुत अच्छी रेसिपी है ये खुद टेस्ट की टेस्ट हुई ये रेसिपी है बहुत अच्छी रेसिपी है दोस्तों आप भी घर में बनाएं दोस्तों और दोस्तों इसके बीच हम आप डालेंगे मसाला गरम गरम मसाला इतना सा डालेंगे ताकि हांडी का जायका अच्छा हो जाए इतना का आपने मसाला गर्म डालना है और दोस्तों थोड़ी देर बाद ना आपने इसको हिला देना है ये अंडे दोस्तों फिर अच्छे पकेंगे ये बहुत मेरी मम्मा ने जमाई हुई रेसिपी है आप भी घर में बनाएं बड़ी मज़ेदार बनती है दोपहर के टाइम खाने में बड़ा ही मज़ा आता है दोस्तों तो अब ये हम खाएंगे तो हमारे को चस आएगी दोस्तों आप भी खाएं बड़ा मज़ा आता है दोस्तों अब थोड़ी देर बाद हम इसके बीच खुरपा मार के उसको हिला देंगे और खुरपा मारेंगे तो हिल जाएगा खुरपा मारेंगे साइडों से उसको अच्छी तरह कर लेंगे और हिला देंगे अब ताकि नीचे ना लग जाए हांडी अच्छी तरह इसको ना हिला लेंगे अब इसको पकाएंगे अच्छी तरह हांडी को साथ में नहीं जुड़ने देना दोस्तों वरना आपकी हांडी के भी छिकर नहीं उतरेगा अच्छी तरह दोस्तों हांडी से मिक्स करेंगे अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले और दोस्तों आंच नीचे आपने हल्की करके दोस्तों ये इनको भूनना है अच्छी तरह आंच आपने बिल्कुल दोस्तों हल्की रखनी है और इसके बाद दोस्तों अंडे आपको अच्छे भी बनेंगे और आपको खाने का भी मजा आएगा वो भी नहीं रहेगी इसके बीच और
और दोस्तों ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे पके हैं। और दोस्तों मेरी मम्मी जैसा मैंने अंडे बनाए हैं बहुत अच्छे पके हैं। तो दोस्तों आप भी दोस्तों घर में ना अंडे ट्राई करें, बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनते हैं, खाने के विचार साथ ही है। पतीली को दोस्तों बिल्कुल नहीं नीचे लगने देना। पतीली अगर माड़ी जी भी आपको कहीं से काली लगती है तो पोना पकड़ के उसको जल्दी खुरा दें। और दोस्तों ये देखे बिल्कुल प्योर अच्छे बने हैं और आप घर में ट्राई जरूर करें, आपको खाने की भी चस आएगी चसिंग। तो दोस्तों खाने की आपको चस आएगी। मेरी वीडियो नो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें अगली वीडियो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। तो चलो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के।